पारसी परिवार में पैदा हुए रतन टाटा का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता था उनकी तुलना हॉलीवुड के हीरो से करने लगता था। अगर आप भी अपनी स्क्रीन पर 25 साल के नौजवान रतन टाटा की ये तस्वीर देख पा रहे होंगे तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई रतन टाटा हॉलीवुड के हीरो के जैसे ही दिखते थे। ये वो तस्वीर है जब रतन टाटा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और उस पर ये पहली फोटो पोस्ट की थी। 23 जनवरी 2020 को पोस्ट की गई इस फोटो के साथ रतन टाटा ने हैशटैग दिया था, #ThrowbackThursday। इस फोटो के साथ कैप्शन में रतन टाटा ने लिखा था कि उनकी ये तस्वीर लॉस एंजलिस की है और तब की है जब उनकी उम्र महज 25 साल की थी। अब हकीकत में तो रतन टाटा कभी हॉलीवुड स्टार नहीं बने, लेकिन बॉलीवुड से उनका नाता जरूर रहा है। एक नाता तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल से है जिनके साथ उनके प्रेम प्रसंगों को लेकर खूब चर्चा हुई थी और खुद सिमी ग्रेवाल ने भी इस रिश्ते पर मुहर लगाई थी। हालांकि दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई, लेकिन इसके अलावा रतन टाटा का बॉलीवुड से एक और रिश्ता रहा है और उस रिश्ते की कड़ी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से भी जुड़ती है। दरअसल रतन टाटा साल 2004 में आई फिल्म एतबार के को प्रोड्यूसर भी थे। इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम और बिपाशा बसु ने काम किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही और अपनी लागत भी नहीं निकल पाई, जिससे रतन टाटा को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसके बाद रतन टाटा ने कभी फिल्म इंडस्ट्री में हाथ नहीं लगाया और हमेशा इससे दूर ही रहे। तो आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।